चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब देश में आज से 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सेवा की शुरुआत की और कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है, अब 10 गुना स्पीड से चलेगा इंटरनेट। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में भारत ने आज क्रांतिकारी कदम उठाया है। देश ने आज से इंटरनेट 5th जनरेशन में एंट्री कर ली है, यानी कि ये कि आज से भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई है और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के प्रगति मैदान से पीएम मोदी ने आज देशवासियों को 5G सेवाओं की सौगात दी। पीएम ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 को लॉन्च किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जीबिशन देखी, साथ ही 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के 5G डेमो भी देखे। दरअसल 5G नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है। ये एक नया ग्लोबल वायरलेस सिस्टम है जो मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है, जिसके आने से दूर संचार सेवाएं और बेहतर बन होंगी 4G के मुकाबले 5G के इंटरनेट। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंटरनेट स्पीड कई गुना ज्यादा होगी। कहा जा रहा है कि 5G के आने से इंटरनेट की खपत बढ़ेगी, ऐसे में कंपनी को 250 से 400 रुपए तक टैरिफ बढ़ाने पड़ सकते हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 तक पूरे देश में ये जो 5G तकनीक है, 5G सेवा शुरू हो सकती है। इस साल दिवाली तक रिलायंस सभी महानगरों में ये सेवा शुरू कर सकता है। 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक। 5G के आने से अब तेज डेटा की वजह से तमाम सेवाएं आम जनता को मिल सकेंगी। देश के 13 शहरों में लोग जल्द ही 5G नेटवर्क की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग के साथ ही देश में एक और संचार क्रांति की शुरुआत हो गई है। अब तेज डेटा की वजह से तमाम सेवाएं आम जनता को मिल सकेंगी। सबसे पहले देश के 13 शहर 5G नेटवर्क की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे शामिल है। 5G के आने से लोगों में काफी खुशी है। युवाओं की माने तो उनकी वर्चुअल दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। मैम, ये एक रिवॉल्यूशन है हमारे देश में जो 5G स्टार्ट हो रही है। इससे हम देख सकते हैं जापान वगैरह में 5G बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये हमारे देश में आया, हमारे यूथ को इससे बहुत फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में 5G की काफी जरूरत है। हमारा हम नेट पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 5G लॉन्च को लेकर के। टेलीकॉम सेक्टर, 5G लॉन्च और एजुकेशन सेक्टर, इन तीनों में जो कनेक्शन है, जो कोरिलेशन है, उसको हम और ज़्यादा समझ सकें और एक्सप्लोर कर सकें। जब से मोदी जी आए हैं तब से डिजिटलाइजेशन पे हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब काफ़ी इम्प्रूव हो गया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।